नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा ब्लॉग होगा वो एक चाय बागान टूर होगा। आज हम आपको चाय बागान का कंप्लीट टूर कराएंगे। इस चाय बागान में क्या क्या फैसिलिटी है आपको बताएंगे। और ये जो चाय बागान है 109 साल पुराना है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी। और इस चाय बागान में जितनी भी रोड है ये सब प्राइवेट रोड है, यानी कि मालिक द्वारा चाय बागान की। और इस जो फैसिलिटी में की मैं बात कर रहा था, इस चाय बागान में जो फैसिलिटी है, स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, पोस्ट ऑफिस है, प्लेग्राउंड है, हॉस्पिटल है, सारी सुविधा आपको मिलेंगी, पार्क है और एक स्विमिंग पूल भी था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो वीडियो में सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, पूरी वीडियो देखिए प्लीज़। चलिए आइए कंप्लीट टूर करते हैं चाय बागान का। इफ यू कांट बी हियर यू कैन ट्रेवल विद मी डिजिटली एंड आई विल शो यू ऑल दिस टी गार्डन बिहाइंड मी। इट्स अराउंड 10 किलोमीटर अवे, स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओरिजिनेट फ्रॉम हियर एंड इट विल एंड एंड 10 किलोमीटर अवे। एंड दिस इज कॉल्ड धोलाझोरा टी एस्टेट, डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार। इट इज एस्टेब्लिशमेंट इन 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए मेरे सामने आपको ये मेटल रोड, ये जो है मेटल रोड आप देख रही है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की नहीं है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये जो मेटल रोड आप देख रहे हैं ये टी इस्टेट ऑनर की है, यानी कि टी गार्डन ऑनर ने ये बनाया है। ये मेटल रोड लगभग 10 किलोमीटर लंबी है। मिडिल में जो है ना, जितनी भी आप गार्डन देख, ये मत सोचिएगा आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, ये लगभग इधर 5 किलोमीटर होगा, आगे इधर 10 किलोमीटर लंबाई तक होगा। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग इस टी गार्डन में लगभग 1500 लोग करीब काम करते हैं। जितने भी टी गार्डन मिलेंगे आपको ऐसे पेड़ जरूर मिलेंगे। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता। लेकिन ये जो गाना शूट हुआ था ये ऊटी की चाय बागान में शूट हुआ था। और ये वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पहले पड़ता था, अब अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है। जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अलीपुर जलपाईगुड़ी मिला के, इसमें 270 टी गार्डन है। और सबसे हमारा भारत में सबसे ज़्यादा जो टी गार्डन है वो असम में है। असम में है 750 टी गार्डन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ केरला में भी है लेकिन नाम मात्र की है, और कुछ तमिलनाडु में भी है, ऊटी में, वो भी थोड़े बहुत ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर वन रैंकिंग में स्टेट आता है असम, और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, वो भी खासकर जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग टी गार्डन, वर्ल्ड फेमस टी गार्डन है। और ये वे मशीन है जो चाय ट्रक में भर के आता है, तो यहाँ पे वे किया जाता है। यहाँ पे वे मशीन देखिए, ये जो आप पानी देख रहे हैं एक गवर्नमेंट सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई पानी है, इसमें टी ओनर का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ये आरओ वाटर है, बिल्कुल फिल्टर होके ये पानी आता है, बिल्कुल बिस्लरी की तरह। और ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है ये पानी। और जितने भी टी वर्कर्स है ये यहाँ से पानी ले जाते हैं। और यहाँ पर एक पार्क भी है जो टी एस्टेट ऑनर द्वारा है। ये देखिए काफ़ी सारे है फ्लावर है।
ये जो फ्लावर्स है, ये जो गार्डन है, ये टी ओनर्स का ही है। टी ओनर्स यहाँ पे नहीं रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। साल में 6 महीने यहाँ पर रिव्यू करने के लिए आते हैं, लेकिन इनका जो संचालन, यहाँ का संचालन, यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ के मैनेजर ही करते हैं। जो MD वगैरह जो भी है, मैनेजर वगैरह मैनेजमेंट होते हैं, वही संभालते हैं। सारी रिपोर्टिंग यहाँ से कर देते हैं और कोलकाता में बैठे बैठे उनको मालिक को, ओनर को जो मिल जाता है, कभी कभार रिव्यू करने के लिए आ जाते हैं वो साल में 6 महीने में। ये जो है चाय बागानों के बीचे बीच टी फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में चाय पत्तियों को सुखा कर बड़ी बड़ी मशीनों में चाय पत्ती बनाया जाता है। तो इसमें जो अंदर का प्रोसीजर है मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही इसका वीडियो बना लिया। क्वार्टर थे क्वार्टर ड्यूटी अपना दर 7:30 अब। यहाँ पे पत्तियाँ तोड़ रहे हैं लोग, देखिए। इनका जो पत्तियों को तोड़ने के बाद, सुखाने के बाद अगला प्रोसेस होता है, दे आर फ्लगिंग द लीफ ऑफ द ट्री बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग मैन। ऑल वर्कर्स इन दिस गार्डन आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये जो पत्तियाँ तोड़ते हैं उसके बाद कैसे बनाते हैं इसको, चाय मेकिंग का क्या प्रोसीजर है, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? पत्तियाँ तोड़ने का देखिए प्रोसीजर कितना बढ़िया। धूमकड़ी का बनाना पड़ता है। तो ये फैक्ट्री के अंदर भी आप लोग काम करते हैं क्या, ये सिर्फ पत्ती तोड़ने का काम है आपका? और जो फैक्ट्री के अंदर करते हैं वो जो चाय बनाए, वो अलग बंदे होते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। आज मैं साइकिल के साथ निकला हूँ वीडियो बनाने के लिए। जो साइकिलिंग का मजा है इन गार्डनों में, इन रोडों पे जो साइकिल चलाना रहा है, फुल एंजॉयिंग विद साइकिलिंग, एंड विद साइकिलिंग वी आर मेकिंग वीडियो एंड एंजॉयिंग फुली एंजॉय। और ये जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र टी गार्डन का, ये टी गार्डन ओनर द्वारा ही है। यहाँ पर MBBS डॉक्टर आते हैं और जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं ये अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन कोई अगर मेजर इलाज हो तो उसके लिए जो है ना रेफ़र कर देते प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका कार्ड बना हुआ है। लेकिन जो छोटी मोटी बीमारी है इसके लिए आप यहाँ पर, आप नहीं मतलब माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ के वर्कर स्टाफ यहाँ से जो है ना दवा करा सकते हैं। और एक बात और बताओ, यहाँ पे एक जो है ना पोस्ट ऑफिस भी है, और ये मेरे पीछे जो पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टी गार्डन के बीचों बीच में एक पोस्ट ऑफिस रखा है, ताकि यहाँ के वर्कर्स या फिर कोई बाहर से आने वाला बंदा भी यहाँ पर कोई भी काम करा सके। यहाँ पर जैसे बचत बैंक खाता, सेविंग अकाउंट, पार्सल वगैरह, जो लेटर वगैरह जो भी, ये इस पर हक जो है ना हर व्यक्ति का, यानी कि टी गार्डन की, टी गार्डन के वर्कर स्टाफ का भी है और बाहर के जो आम लोग हैं उनके लिए भी है, जो आसपास के गांव के लोग हैं ये भी इस पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस है टी एस्टेट में, आपको यहाँ पे टेंपल भी मिलेगा, और ये जो टेंपल है ये टी एस्टेट ओनर द्वारा बनाया गया है, ताकि यहाँ के वर्कर स्टाफ यहाँ पर पूजा कर सके। अभी दोपहर का समय है इसलिए ताला लगा हुआ है, शाम को 5 बजे खुलेगा, लेकिन हम अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन अंदर जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे अपने, माफ कीजिए, जहाँ पर मूर्ति है वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि पुजारी ने इस समय बंद कर रखा है, शाम को 5 बजे बाद खुलेगा। ये 10th तक का स्कूल है, और स्कूल के आंगन में एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, ये देख रहे आप। यहाँ पर गोल होता है इस तरफ से, उस तरफ से भी देखिए गोल होता है, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर जितने भी टी गार्डन के वर्कर हैं वो यहाँ पर प्ले करते हैं फुटबॉल, या उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं कोई भी यहाँ पे प्ले कर सकते। ये जो फुटबॉल ग्राउंड है यह टी गार्डन ओनर का है, टी गार्डन ओनर ने यहाँ पे सारी फैसिलिटी दे रखी है, हॉस्पिटल, स्कूल, प्लेग्राउंड, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। प्लेग्राउंड, फुटबॉल, ये इधर से गोल होता है और उधर से भी देखिए गोल होता है, सिर्फ एक नहीं है और भी है प्लेग्राउंड, थोड़ी देर और एक मिलेगा आपको। ये है वो स्कूल
जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ये चाय बागान ओनर द्वारा स्कूल है, ये सिक्स क्लास तक है। और यहाँ पे चाय की बागान की टंकी और ये पूरा पूरा फैक्ट्री। ये जो आगे वर्कर है उनके बच्चे हैं, खेल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी COVID-19 के चक्कर में जो है स्कूल बंद है। लेकिन जो फैक्ट्री यहाँ पे टी मेकिंग का प्रोसेस वो चल रहा है। ये जो है सुपरवाइजर की कोठी है, कोठी का क्वार्टर है। और ऐसे ही जो है ना, ऐसे जो वर्कर की कोठी होती है, मार्केट मान पे जाएगा वर्कर है, सुपरवाइजर की थोड़ा बहुत 19-20 का होता है। लेकिन जो मैनेजर लेवल के लोग हैं उनकी हाई लेवल की कोठी होती है, उनके 2 मंजिले होती है, वो मालिक द्वारा ओनर द्वारा दिया जाता है। ये सब वर्कर की कोठी क्वार्टर है, वर्कर जो चाय मेकिंग करते हैं यहाँ पे जॉब करते हैं, ये सब वर्कर ये कोठी है। अगर कोई वर्कर रिजाइन देता है तो ये क्वार्टर खाली करके चले जाते हैं। ये क्वार्टर दिख रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कोई नया जॉइन होता है उसकी जगह पर, तो उसी क्वार्टर में वो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं जब तक जॉब है। ये देखिए इस तरह से टूर करते करते हम वीडियो की लास्ट तक एंड में आ चुके हैं। और 1912 से लेकर 2021 तक का सफ़र हमने आपको एक ही वीडियो में करवा दिया। 109 साल का टूर हमने एक ही वीडियो में आपको करा दिया। ये देखिए 1912 और अभी हो रहा है 2021। तो ये सिर्फ जो होता है ना, एक गार्डन का टूर था, एक टी गार्डन का टूर था। और एक टी गार्डन का टूर आप एक वीडियो में देख चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकती है जलपाईगुड़ी में 270 टी गार्डन है तो अब कितना समय लगेगा। और आसाम में 750 चाय टी बाग गार्डन है, 750 टी गार्डन अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि टी गार्डन कितना बड़ा होता है, कितना फैला हुआ होता है, तो उन लोगों को तो वीडियो अच्छी लगी। और जिन लोगों को मालूम है उन्हें भी वीडियो अच्छी लगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।